नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में जिससे हम आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारी पहली ट्रिक उन नंबर्स के लिए है जिनके लास्ट में 5 आता है। जैसे मान लीजिए हमें 65 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे 6 को। हमें पता है कि 6 के बाद 7 आता है, तो हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें मिलेगा 42, राइट? अब हमें 42 के आगे केवल 25 को लगा देना है, तो हमारा आंसर बनेगा 4225। जी हाँ, इतना ही आसान है उन नंबर्स का स्क्वायर करना जिनकी यूनिट डिजिट 5 होती है। मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर हम इस ट्रिक का यूज करते हैं। तो हम ओरली भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमें 85 का स्क्वायर निकालना है, तो 8 × 9 होता है 72, तो 7225 हमारा आंसर आ जाएगा। अमेजिंग, इजंट इट? हमारी दूसरी ट्रिक उन नंबर्स के लिए है जो कि 50 से छोटे हैं। जैसे मान लीजिए हमें 34 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 34 50 से कितना छोटा है। तो आप कहेंगे 16, राइट? इसके बाद हमें 25 में से 16 को माइनस कर देना है, तो आएगा 9। और लास्ट में हमें 9 को 16 के स्क्वायर में ऐड कर देना है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं आपको उस तरीके से ऐड करना है। हमें पता है 16 का स्क्वायर होता है 256, तो हमें केवल 2 में 9 को ऐड करना है, बाकी किसी भी नंबर के साथ हमें 9 को ऐड नहीं करना, तो हमारा आंसर बनेगा 1156। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, लेकिन इस बार हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। मान लीजिए हमें 28 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें पता है 28 50 से 22 कम होता है, तो हम 25 में से 22 को घटा देंगे, तो आएगा 3। और 3 को हमें 22 के स्क्वायर यानी 484 की पहली डिजिट के साथ ऐड करना है, यानी 4 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 784, राइट? हमारी तीसरी ट्रिक उन नंबर्स के लिए है जो कि 50 से बड़े हैं। ये ट्रिक बिल्कुल पिछली ट्रिक जैसी ही है। मान लीजिए हमें 74 का स्क्वायर निकालना है, तो इस बार हम ये देखेंगे कि 74 50 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 24 ज्यादा है, राइट? अब इस बार हम 25 में 24 को ऐड कर देंगे। याद कीजिए पहले हमने 25 में से माइनस किया था क्योंकि 50 से छोटा था, इस बार 50 से बड़ा है तो हम 25 में ऐड कर देंगे, तो आएगा 49। और 49 को हमें 24 के स्क्वायर यानी 576 की पहली डिजिट के साथ ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर आएगा 5476। हमारी चौथी ट्रिक बहुत ही शानदार है। ये ट्रिक उन नंबर्स के लिए है जो कि 10, 100, 1000 इन सब के करीब हैं। जैसे हमें 105 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको पता है 105 100 के करीब है, राइट? हमने ये देखा कि 105 100 से 5 ज्यादा है, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम 105 में 5 को ही ऐड करा देंगे, तो हमें मिलेगा 110। और 110 के आगे हम 5 के स्क्वायर यानी 25 को लिख देंगे, तो हमारा आंसर बनेगा 11025। अगर हमें 986 का स्क्वायर निकालना होता, तो हमें पता है 986 1000 के पास होता है, तो हम ये देखेंगे कि 986 1000 से कितना कम है, तो आपको पता है 14 कम है, तो इस बार हम 986 में से 14 माइनस करा देंगे, तो आएगा 972। और 972 के आगे हम 14 का स्क्वायर यानी 196 को लिख देंगे, तो हमारा आंसर बनेगा 972196। तो ये थी कुछ वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स जो आपको स्क्वायर निकालने में मदद करेंगी।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।